पता कि खेल में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी तो इसे सुविधा की राजनीति कहते हैं, जहां सभी अपने हिसाब से बैटिंग करते हैं। हो भी क्यों ना, वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है। और ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई, जिसमें नजर सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर होती है और रास्ते में आने वाले हर अड़चन को हटाने के लिए जो भी संभव हो सकता है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी राजनीति से किसी एक दल का वास्ता है, कमोवेश ऐसा हाल हर सियासी दल का है। तभी तो बीजेपी 2017 में उत्तर प्रदेश में अपने सत्ता के बनवास को खत्म करने के लिए राजभर को अपने पाले में लाने के लिए बेताब थी। लेकिन अब जब राजभर बीजेपी के साथ नहीं है तो वो बीजेपी के एक एक कर सारे पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में हम ही पहुंचौले रही, बोला सही है गलत है, हम ही पहुंचौले रही। इन्हने के 12-14 साल का वनवास रहा, जब कोई ना मिलल तब हमारी यहाँ ईलन तक कहना की भाग पहुंचा देते, हम कहली चल दुद्दू हाथ का रही के बाद भीतर करल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की नींव पर बना घर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ बीजेपी के साथ। पहली ही कैबिनेट की बैठक में राजभर समझ गए कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया है। तभी तो आज वो बता रहे हैं कि सियासत में हीरो कौन है और जीरो कौन है। वैसा ही हम जब भीतर गयी तो हम कहली कौन समाज का ही असली हीरो हो, कौन जीरो हो, कौन गुलाम हो, कौन जी हजूरी कराला, एकका कैबिनेट में समझ गयी। गौरतलब है कि पहली बैठक के बाद उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और दूसरी बैठक में उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो यहाँ पिछड़े लोगों का हक दिलवाने आए हैं, न कि किसी की हाँ में हाँ मिलाने। 47 मिनिस्टर थे जब हम रहली, अकेले हम एक ओरी 46 एक ओरी में एकदम शुरू अब हाथावाही वाली नौबत चालू अंदर कमरा में। हम कहली सुना राजभर हो पटक के चढ़ तब छाती कहा टूट जायी, हिस्सा बदे आयल है तुहार, तो मजूरी कर ना आयल है तुहार, तो गुलामी कर ना आयल है तुहार, तो जूता पॉलिश कर ना आयल है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच की अदावत जग जाहिर हुई, जिसे अब खुलकर राजभर दुनिया के सामने कह रहे हैं। ईमानदारी से बतावा, हम 18 महीना मंत्री रही, मंत्री और मुख्यमंत्री का लड़ाई आमने सामने रहल कि ना रहल, कितना जने संतुष्ट हुआ वो लड़ाई से तई हाथ उठावा। यही वजह थी कि राजभर ने योगी कैबिनेट से महज 18 महीने के बाद ही इस्तीफा देकर अपनों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आए। हालांकि इस्तीफा देते समय उन्हें रोका भी गया, लेकिन उस वक्त राजभर ने अपने एजेंडे से कोई समझौता नहीं करते हुए खुद को किनारे कर लिया। तब पहला इस्तीफा हम प्रधानमंत्री को दे दिया, दू लाइन सुना दिली कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम। वहां से निकले तो आई गिरी मंत्री की, हम उनसे कहली का हो का हाल बा, अब तो हम जात है, अरे कहें रुक जा हमके ले लाई सिपाही है, हम थमा दिली उन्हों के दोहा सुना दिली आ गई लखनऊ। तभी तो आज ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि 2022 की लड़ाई में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर फिर से बीजेपी नेताओं को मठ में भेजेंगे। आज के लगभग 3 साल पहले कहले है योगी जी से कि तू यार जौने जिला का हया मर्दे, हम तो हम वही पहुंचाई जहां भीख मांगे का ट्रेनिंग दिया ला, ये सरंगी कहां बजावला, सरंगिया वाले ने भीख मांगला उन्ना वही पहुंचाई। राजभर यही नहीं रुके, जिस पूर्वांचल को खासकर बनारस को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है वहां पर बीजेपी का सफाया का संकल्प राजभर ने लिया है। तभी तो राजभर दावा कर रहे हैं कि इस बार बनारस की सभी सीटें जीतेंगे। बनारस में 8 सीट, बनारस में 6 सीट डंके की चोट पर आज जीत रहा हूं और 15 दिन के बाद 8 सीट जीत करके दिखाऊंगा बनारस में।
गौरतलब है कि बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में बनारस में अगर समीकरण बीजेपी के खिलाफ जाता है तो इससे पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मैसेज जाएगा। तभी तो बनारस में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए पहले तो राजनीतिक इवेंट किया, फिर गंगा स्नान के बहाने लोगों को धर्म के मुद्दे पर भटकाया। लेकिन इस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही अंदाज में पीएम पर चुटकी ले ली। यही बदे मोदी जी गंगा नहा देखते हैं ना समझत हुआ। अरे के फिली माई लल भा गंगा तेरी राम तेरी गंगा मैली रहल न कनी कौन हीरो रहल गाना गौले रहल कि पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली। अब हम कहते जितना पापी हूं वो जाके गंगा जी में नहाए। ओम प्रकाश राजभर तन जई है भाई। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर बीजेपी पर कई तंज कसे। जाहिर है जिस लाल टोपी को बीजेपी ने खतरा बताया था उसी लाल रंग को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर तीखा हमला कर दिया। पहलवा लोग मोदी जी कर रहे हैं, अब का कहत हुआ हे जौन सड़वा ललका रोडवा पर भा बड़का सड़वा के कथवाणी मोदिया है गलत ना बोले थे आ जाऊ छोटका ललका सड़वा है। बहरहाल राजनीति में चुनाव के वक्त ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बीजेपी जिस तरह से लोगों को कभी धर्म के नाम पर तो कभी रंग के नाम पर लोगों को बहकाने वाली बीजेपी को आज अखिलेश को मिल रहे अपार समर्थन से 440 वोल्ट का झटका लगा है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2022 के रण में अखिलेश से टकराने के लिए बीजेपी और क्या क्या नया पैंतरा अपनाती है।